नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। सीट में वृद्धि को लेकर प्राचार्य कर रहे टालमटोल, छात्रों ने फिर सौंपा ज्ञापन। लांजी, शासकीय महाविद्यालय लांजी में प्रवेश को लेकर छात्र वर्ग परेशान और आक्रोशित है और इसके पीछे कारण है उक्त महाविद्यालय में कम सीटों का होना। उक्त आशय की मांग को लेकर 6 अक्टूबर को शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य आर सोनवाने को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन इस बार भी आश्वासन के सिवाय छात्रों को कुछ नहीं मिला, जबकि इसके पूर्व भी सीट वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा जा चुका है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि हम सभी छात्र शासकीय महाविद्यालय लांजी में प्रवेश लेना चाहते हैं और बीए एवं बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सीट वृद्धि चाहते हैं। विदित हो कि बीएससी प्रथम वर्ष में गत वर्ष 95 एवं बीए प्रथम वर्ष में 250 छात्र छात्राएं प्रवेशित थे, परंतु सन 2020-21 में विगत वर्ष की तुलना में सीट नहीं भर पाई है। इस संबंध में छात्रों का कहना है कि उनके द्वारा पहले भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि अब भी महाविद्यालय लांजी के प्राचार्य द्वारा टालमटोली की जा रही है। इस विषय पर लांजी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य आर सोनवाने से बात की गई तो उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा सीट वृद्धि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और वे इस बार कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि प्रवेश की तिथि 10 नवंबर है और जो कार्य अब तक नहीं हो पाया वो 3 दिनों में प्राचार्य द्वारा कर लिए जाने की बात खोखली नजर आ रही है। उल्लेखनीय है कि सिर्फ 3 दिनों में कैसे सीट वृद्धि से लेकर प्रवेश तक की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अलावा यह बात भी सामने आई है कि प्रतिवर्ष कुछ महाविद्यालयों की सीट उनकी मांग के आधार पर बढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ छात्रों द्वारा मांग किए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना और अंतिम चरण में मांग पूरी कर लेने की बात आखिर किस आधार पर कही जा रही है। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है? सफीक खान। अभी किस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया आपके द्वारा? हम लोग यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सीट वृद्धि के ज्ञापन को यहाँ पर आज हम लोग महाविद्यालय प्राचार्य को दिए। तो इसके पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया? इसके पूर्व में भी पूरे प्रांत में ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके चलते बहुत से महाविद्यालय में सीट बढ़ चुकी, लेकिन लांजी शासकीय महाविद्यालय में अभी तक की सीट नहीं बढ़ चुकी, क्योंकि इसके चलते बहुत से छात्र छात्राएँ अभी तक एडमिशन से वंचित हैं और पिछले वर्ष 95 से 90 छात्र यहाँ पर अध्ययनरत थे, लेकिन इस वक्त 80 लोगों का भी एडमिशन नहीं हो पाया, जिसके चलते बहुत से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। तो आज हम लोग के द्वारा ये ज्ञापन देकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द सीट की वृद्धि की जाए, जिससे जो छात्र छूट गया उनको एडमिशन मिल सके। तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? प्रचार द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द हम इसको आगे बढ़ाकर इसमें कार्यवाही कर पाएंगे और आप लोग भी मांग पा कर रखेंगे। 3 दिन के अंदर हम लोग कर देंगे, बोला सर प्रचार द्वारा टाइम और एडमिशन की जो डेट है वो सिर्फ 3 दिन की। अब 3 दिन में क्या होगा ये हम लोग भी देखते, छात्रों को देखना है कि कैसा क्या होता है। एडमिशन की डेट कितनी? 3 दिन बची? बस सिर्फ 3 दिन बची, 10 तारीख तक लास्ट है और 3 दिन से 300 से ज़्यादा छात्र छात्रा वंचित है। ये जो छात्रों द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया आपको किस विषय में दिया गया? बच्चों ने डिमांड किया है कि सीट वृद्धि दी जाए जी। बीएससी में कम संख्या है, बच्चे एडमिशन दिए हैं, संख्या बढ़ाने के लिए हमने कहा है, हमने निर्धारित 80 सीट रखा था जी और बढ़ाना चाह रहे हैं जी। तो सर बढ़ेगी, क्या कार्यवाही होगी? अभी ही तत्काल कार्यवाही के लिए लिख रहा हूँ जी, अभी बच्चों का लाभ हो। तो सर समय तो कम है ना? नहीं, टाइम 10 तारीख होती है। 10 तारीख हो जाएगा सर? 3 दिन बचा है सर। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा।